भारतीय आईफोन के लिए और पाकिस्तानी मुफ्त राशन के लिए कतार में खड़े हैं। देश के हालात पर भड़के पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं N27 न्यूज। पाकिस्तान की हालात इस वक्त किसी देश से नहीं छुपी है। आपको बता दें कि एप्पल ने इसी महीने भारत के दो महानगरों मुंबई और दिल्ली में अपना स्टोर खोला है। एप्पल के CEO टीम कुक ने खुद भारत आकर इन दोनों स्टोर्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान दोनों ही स्टोर्स पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें इसकी वायरल हो रही हैं, जिसमें कुक ग्राहकों के साथ सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में एप्पल स्टोर्स को लेकर पाकिस्तान से भी अब प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के लोग जहाँ एप्पल स्टोर के बाहर लाइन लगा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग मुफ्त राशन की लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। आपको पता होगा कि वहाँ पर आटे के लिए भी मारामारी है और लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से। साथ ही आपको बता दें कि भारत में विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल की तारीफ करते हुए एक पाकिस्तानी यूजर्स ने ट्वीट पर लिखा कि पाकिस्तान का भारत से तुलना करने का स्वांग आखिरकार अब खत्म हो गया है। हम भारत के साथ तुलना में कहीं भी खड़े नहीं होते हैं। पाकिस्तान के नेताओं ने बस भारत के खिलाफ रक्षा बजट के नाम पर भारी संपत्ति जमा करी है। एक यूजर ने अपने ही देश पर तंज कसते हुए कहा, मुंबई में पहला एप्पल स्टोर खुलने पर भारतीय जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान अपने चिड़ियाघर के जानवरों या अपनी मुद्रा, यहाँ तक कि अपने संस्थानों की भी देखभाल नहीं कर पा रहा है। एक अन्य पाकिस्तानी यूजर्स ने लिखा, एक तरफ मुंबई है जहाँ एप्पल स्टोर के बाहर सैकड़ों लोग कतार में दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहाँ सैकड़ों लोग मुफ्त राशन लेने के लिए कतार में खड़े हैं। भारत में विदेशी निवेश का स्वागत, और पाकिस्तान के कुछ यूजर्स ने पाकिस्तान की एक हालिया घटना का भी इसमें जिक्र किया है। आपको बता दें जिसमें चीनी इंजीनियर को ईश निंदा के आरोप में हिरासत में लिया है। आपको बता दें ईश निंदा वो होती है जिसमें हम किसी प्रभु ईस्ट के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं। पाकिस्तानी यूजर्स ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में विदेशियों और विदेशी निवेश के लिए स्वागत योग्य वातावरण बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल उलट है। वहाँ पर कट्टरवाद अपने चरम पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में निवेश कोई देश नहीं करता। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक तरफ भारत जहां तरक्की कर रहा है, भारत में दो एप्पल के स्टोर खुले हैं जो कि टीम कुक ने खुद आकर उन एप्पल स्टोरों का उद्घाटन किया है, वहीं पाकिस्तान भुखमरी की तरफ धकेला जा रहा है और वहां की जनता अब खुद भारत की तारीफ करने लगी है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहें N27 न्यूज़। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।